अपने चैनल एस जी वैरायटीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे दही की सब्जी, जो आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, यानी कि घर के इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, जिसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और एक बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी पार्ट मिस ना करें मेरे सारे सीक्रेट टिप्स जानने के लिए। तो चलिए अपनी इंटरेस्टिंग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से क्लिक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें मेरी आने वाली नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए और नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब के बटन को अगर आपने अभी तक दबाया नहीं है तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली नई नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे आपको सबसे पहले। और अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपको दोबारा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो दही की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे चढ़ा दिया एक पैन, आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और यहाँ मैं डाल ली मस्टर्ड ऑयल, कम से कम 4 से 5 चम्मच। तो ये जो सब्जी है ना, मस्टर्ड ऑयल में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है ना, यानी कि सरसों के तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, इसमें जब धुआं निकलने लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल के देख लेंगे कि ये हमारा जीरा क्रैकल हो रहा है यानी चिटक रहा है। क्योंकि अगर सरसों का तेल अच्छे से नहीं हो पाता तो सब्जी में एक स्मेल आ जाती है और सब्जी हमारी अच्छे से नहीं बनती है। तो यानी हमारा तेल अच्छे से हो गया है, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें धुआं भी अच्छे से निकल रहा है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, ये अच्छे से इसको चटकने देंगे। और यहाँ मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, यानी बिल्कुल चॉप कर लिया है बारीक से, इसको डाल देंगे। तो प्याज को हम कम से कम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, इसको गोल्डन होने तक हमें नहीं भूनना है। जो प्याज में एक मीठापन है ये बना रहे, इसके लिए हमें 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है इसको, यानी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ मैंने मिर्च को बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्च को, इसको भी हम डाल देंगे और इसको भी हम इसी के साथ में भून लेंगे। तो मैंने टमाटर को भी फाइनली चॉप कर लिया है, यानी कि बारीक बारीक इसको भी कट कर लिया है। तो ये देखिए प्याज का कलर हमारा चेंज होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आप ये सब्जी बनाएंगे बहुत ही आसानी से, घर के इंग्रेडिएंट्स में ये सब्जी तैयार हो जाती है, आपको कोई भी इसमें झंझट नहीं होता है। जब घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल ना हो और आपको ये हो कि क्या बनाएं, तो आप ये सब्जी आसानी से बना सकते हैं। तो प्याज ऑलमोस्ट हमारा भून चुका है, तो हम डाल देते हैं कुछ इसमें सूखे मसाले। तो यहाँ मैं डाल ली 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। और हमें जो फ्लेम है ना, जब हम मसालों को डालते हैं तो फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ मैं डाल ली 1 चम्मच नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए जिस हिसाब से। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब पानी, जिससे कि जो मसाले हैं हमारे अच्छे से इस सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जले भी ना। तो इन मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये मसाले हमारे भून चुके हैं, ये जो मैंने बारीक बारीक टमाटर कट किया था अब हम इसको डाल देंगे। तो नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो टमाटर को भी हम कम से कम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक ये टमाटर गल ना जाए।
तो ये मैंने दही लिया है, ये घर का ही दही है। इसको अच्छे से मैंने क्या किया है, फेट लिया है, यानी मथ लिया है, बिल्कुल मट्ठी की तरह बना लिया है इसको। और ये जो दही है हम इस सब्जी में इसको यूज़ करेंगे, यानी कि दही की सब्जी है। करीब एक कटोरी हमें दही लेना है। तो ये देखिए हमारे टमाटर भी गल रहे हैं, ऑलमोस्ट गल ही चुके हैं। तो ये टमाटर को हम इस तरह से प्रेस कर देंगे तो जो भी थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब इसमें जो दही था ना, इसमें वो दही डाल देंगे। तो दही अब घर का या मार्केट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस इस तरह से अच्छे से फेंट लें उस दही को, जिससे इसमें लम्स वगैरह कोई ना पड़े। और इस सब्जी को हम चला देंगे। और इस सब्जी में हम क्या करेंगे, एक उबाल आने देंगे, यानी कि सब्जी को हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे। तो दही देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और सब्जी में हमारे देखिए एक बॉयल भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, उसी कटोरी से हम आधा कटोरी इसमें पानी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए सब्जी को पकाएंगे। जब तक पकाना है ये सब्जी हमारी, जब तक थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और जो पानी हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए। तो सब्जी देखिए हमारी कितनी अच्छे से पक गई है, 5 मिनट करीब इसको हो गए हैं और सब्जी हमारी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने लिए 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, उसको इस तरह से हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो कसूरी मेथी डालने से इसमें जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, इसमें खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब इसको एक बोल में हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बोल में सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी डेफिनेटली आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।